हेलो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देखते होंगे MI A1 जो हैंडसेट है उसमें जो है आप चाह कर के भी अपनी अपनी मनपसंद का सॉन्ग नहीं लगा सकते। सो गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेटिंग में मैं जाता हूँ और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर साउंड्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं जैसे कि MI सेटिंग में जाता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर जो है वही चूज कर सकता हूँ जो कि इसमें है ऑलरेडी। तो इसमें से ये देख सकते हो वही लगा सकता हूँ जो इसके अंदर हैं। तो चाह कर भी आप जो है अपना वो साउंड नहीं लगा सकते जो कि आपका मनपसंद है। सो गाइज, मैंने जो है एक ट्रिक निकाली है जिसके थ्रू आप अपना मनपसंद सॉन्ग लगा सकते हो। तो मेरे पास एक रिंगटोन है जिसकी मैं यहाँ पर वो रिंगटोन पहले मैं बजा करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लगा करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे रिंगटोन मेरे पास है ये, तो यहाँ पर ये बज रही है। फिर उसके बाद जो है मैंने इसे यहाँ पर साइलेंट कर रखा है तो उसके लिए बज नहीं पा रही है। सो गाइज, अब यहाँ पर मैं इसे कैसे लगाऊंगा, तो आपको जो है यहाँ पर जैसे ही पहले आप MI A1 के अंदर जो है फाइल नहीं आती है तो आपको प्ले स्टोर में जाकर के फाइल डाउनलोड कर लेनी है। सो गाइज, यहाँ पर मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर तीन बिंदु आते हैं, तो इन पर तीन बिंदु पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं इंटरनल स्ट्रॉन्ग आ जाता है, इंटरनल स्ट्रॉन्ग पर आपको क्लिक करता है। फिर यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको जो है जो भी आपकी जहाँ पर आपकी ये रिंगटोन है मनपसंद उस फाइल को ढूंढ लेनी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बाहर डाल रखी है तो मैं यहाँ पर बाहर ही देख लेता हूँ। मैंने जो है यहाँ पर इस पर यहाँ पर इसे यहाँ पर तीन बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, तीन बिंदु पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मोड टू कर लेना है। मोड टू जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रॉन्ग आ जाता है। इंटरनल स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर ढूंढना है रिंगटोन का ऑप्शन ढूंढ लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर रिंगटोन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन आ रहा है। सो गाइज, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर लेते हो यहाँ पर जो है डन कर देना है, यानी कि ओके कर देना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पहले कि ये हुआ है नहीं। यहाँ पर जो है ये रिंगटोन आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो ये रिंगटोन आ चुकी है। अब मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर देख लेना है, सेटिंग में जाना है दोबारा से। सेटिंग में जाने के बाद दोबारा से यहाँ पर साउंड में जाना है। साउंड में जाने के बाद आपको MI जो है यहाँ पर इन्हें देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अपनी रिंगटोन का जो नाम है उसे सर्च देखना है यहाँ पर कि आया है या नहीं आया है। सो गाइज, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। पहले आप डाउन जाना है, फिर उसके बाद जैसे ही आप ऊपर को आते हो तो आपका ये रिंगटोन का नाम आ जाता है। सो यहाँ पर जो है ये शो हो रहा है। सो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये बज रहा है। तो अब मैं इसे लगा देता हूँ। उसके बाद ये अब रिंगटोन लग चुकी है। सो गाइज, आप बहुत ही आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक ऐसी ही वीडियो पहुँचाता रहूँ। माय नेम इज़ KK त्यागी, आप देख रहे हैं टेक्निकल त्यागी। सो अब मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।